नमस्कार, सफ़र 24 से मैं रंजन कुमार। सिरमा का जो मामला था, दो समुदाय के बीच का जो बवंडर चल रहा था बड़गांव के सिरमा पंचायत में, एक आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर के उस मामले को पूरी तरीके से विधायक अंबा प्रसाद ने ठंडा कर दिया। जी हाँ, आपको पूरी कहानी बताएंगे तस्वीर के साथ, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सिरमा पंचायत के अंजुमन कमेटी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था एक दिन पहले, उसमें उन्होंने क्या कहा, सेक्रेटरी बता दें कि सिरमा अहमद ने बताया अंजुमन कमेटी है कि 200 वर्ष के जो हम लोग के बीच ये चार हिंदू परिवार रह रहे हैं और बहुत प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं, हम लोग के बीच कभी झगड़ा नहीं हुआ, अच्छे से हम लोग रह रहे थे, हम लोग की जानकारी नहीं थी और ये दो चार जो नौजवान हैं वो आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर के रिएक्ट कर गए और बच्ची को कान उठ बैठ कराया, जो हम लोग की जानकारी होती तो ऐसा नहीं होने देते। और तो उन्होंने कहा कि अंतु साहु जो उनके दादा हैं उनको मैंने ज़मीन दिया है, ये ऐसा सेक्रेटरी ने बताया अंजुमन कमेटी के सेक्रेटरी ने, जबकि हमारे समुदाय के लोग ज़मीन लेना चाहते थे लेकिन चूंकि वो उनके सामने था, उनके हक में था, इसलिए मैंने उनको दिया। और तो और उनकी जो बहू हैं यानी पीड़िता की जो माँ हैं, उनको गांव का महिला मंडल समिति का अध्यक्ष बनाया गया है किरण देवी को, और साक्षरता समिति में भी वे सदस्य हैं, उन्हें सम्मान के साथ रखा जाता है। 500 घर मुस्लिम समुदाय के हैं, 4 घर हिंदू के हैं, इस तरह का जो गर्म माहौल किया जा रहा है कुछ न्यूज़ चैनलों के द्वारा, कुछ नेताओं के द्वारा जो इसे तूल दिया जा रहा है, ये बहुत गलत है। अंजुमन कमेटी ने आगे ये कहा कि हम लोग जब तक यहाँ हैं इस परिवार का बाल बांका नहीं होने देंगे, हम लोग फूल की तरह इन्हें रखते हैं, प्यार मोहब्बत से रखते हैं। अंजुमन कम्युनिटी ने एक मसले का, उसमें उन्होंने ये कहा कि जो पीड़िता है उसका जो पिताजी हैं स्वर्गीय तुलसी शाह, वो कैंसर की बीमारी से मर गए, लेकिन उनको हमारा पूरा मुस्लिम समुदाय काफ़ी मदद किया, हम लोग चंदा इकट्ठा करके उन्हें बम्बई और टाटा जैसे जगहों पर कैंसर का इलाज करवाएँ और हम लोगों ने हमेशा उनका साथ दिया। और आज चूंकि मामला इस तरह से गरमा दिया गया है, जबकि हम लोग दोनों समुदाय के बीच कुछ नहीं है, वैसा एक छोटी सी गलती हुई पोस्ट को लेकर के और उस पर कुछ नौजवान रिएक्ट कर गए, इसको हम लोग मिल बैठकर शांत करेंगे और किसी बाहरी पॉलिटिकल एजेंडे को हम लोग यहाँ पनपने नहीं देंगे, ये अंजुमन कम्युनिटी ने कहा। इन सारी तमाम बातें ये सभी हुई, लेकिन इसके बीच आज जो खेला हुआ ये बड़ा ज़बरदस्त था, जो सीन क्रिएट हुआ वो बड़ा ही काबिले तारीफ था। आपको मैं बता दूं कि आज सदर विधायक मनीष जायसवाल सिरमा पंचायत आने वाले थे पीड़िता से मिलने के लिए। आपको बता दें जब घटना हुई थी उसी दिन से कुछ लोग, नेता लोग, पॉलिटिशियन और न्यूज़ चैनल वाले हमेशा सिरमा गाँव का जो पंचायत का दौरा कर रहे थे और कुछ लोग न्यूज़ बनाने के लिए जा रहे थे, कुछ लोग भड़काने के लिए भी जा रहे थे, कुछ लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए भी जा रहे थे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, एक न्यूज़ के रिपोर्ट पर हमने कुछ जज किया है तो मैं सोचा हूँ बताता हूँ। न्यूज़ नेशन की एक टीम थी जो सिरमा पंचायत पहुँची और पूरे न्यूज़ को फ्लैश की बड़ी बेहतरीन तरीके से, लेकिन उसमें मुझे एक कमी क्या दिखी। मैं न्यूज़ नेशन के रिपोर्टर से ये सवाल करता हूँ, मैं भी एक रिपोर्टर हूँ, कि आप जब बाइट ले रहे थे, आपने पीड़िता का बाइट लिया, उसकी माँ का बाइट लिया, थाना प्रभारी का बाइट लिया, तो बड़का का विधानसभा की जो विधायिका हैं, विधायक हैं, वो श्री सुश्री अंबा प्रसाद जी हैं, आपने उनसे बाइट लेने छोड़ करके आप मनीष जायसवाल से क्यों बाइट लिए? और आपने मनीष जायसवाल से बाइट लिया तो चलो लिया, लेकिन यहाँ आपकी जिम्मेवारी क्या बनती है कि जो क्षेत्र का विधायक है उससे बयान लेना है या फिर जो क्षेत्र का विधायक नहीं है उससे बयान लेना है? तो ये चीज़ें हमको समझ थोड़ा नहीं आया। दूसरी बात यह है कि हम जहाँ तक समझते हैं कि जब कोई विधायक अपने क्षेत्र को छोड़ करके किसी दूसरे के क्षेत्र में अगर जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसका अपना स्वार्थ उसमें सिद्ध हो रहा है। राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए बहुत कोई जाते हैं, पॉलिटिक्स चमकाने के लिए वो जाते हैं। ऐसा मैं मनीष जायसवाल को टारगेट करके नहीं कर रहा हूँ, ऐसा कई विधायक करते हैं, हमारी विधायिका अंबा प्रसाद भी ऐसा कर चुकी हैं कई बार। वो सदर विधायक के क्षेत्र में कई बार जा करके मामलों में अड़ंगा डाली हैं, मामलों को सुलझाने का कोशिश किए हैं, तो उनको भी वहाँ ख़राब लगता है कि हमारे क्षेत्र में ये क्यों आई। तो ये सभी अपना पॉलिटिकल नाटक है इन लोगों का, अपना जो राजनीतिक उल्लू सीधा करते हैं।
ये भी जाते हैं वहाँ, वो तभी वो यहाँ आते हैं, तो हम यहाँ पर उनको गलत नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जब आप जा रहे हैं उनके क्षेत्र में तो वो भी आएंगे आपके क्षेत्र में। खैर ये सभी छोड़ दीजिए, हम इतना जानते हैं कि अपने विधानसभा क्षेत्र में इतना काम है, इतना पेंदा फटा हुआ है कि दिखाने लायक नहीं है विधायक लोग। और अपना विधानसभा क्षेत्र छोड़कर दूसरे विधानसभा क्षेत्र में जब जाते हैं मरहम लगाने जख्मों पे, तो वहाँ साफ दिखता है कि जख्म पे मरहम कम और अपना राजनीति चमकाने ज़्यादा इन लोग को मन कर रहा है। तो ये सभी चीज़ें हैं। बहरहाल आपको बताते हैं कि आज जब मनीष जायसवाल सदर विधायक आ रहे थे पीड़िता से मिलने के लिए, तो ये खबर जो है अंबा प्रसाद को शायद लगी। अब वो आज सिरमा आने का उनका आज का रूटीन था या नहीं था आज के शेड्यूल में तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मनीष जायसवाल के घुसने से कुछ देर पहले ही विधायक अंबा प्रसाद सिरमा पंचायत आधम की। आपको मैं बताना चाहता हूँ, वो पीड़िता के घर गई और दोनों समुदाय के लोगों को इकट्ठा की और सबसे बड़ा सीन जो क्रिएट हुआ प्यार मोहब्बत वाला और कंप्रोमाइज वाला, वो ये था कि दोनों समुदाय के बीच एक जगह बैठा करके, और जो नौजवान लड़के थे जिन्होंने उस बच्ची के साथ कान उठक बैठक करा करके उसको एक तरह से सजा देने का काम किया था, तो उन दोनों के बीच जो मन का द्वेष था उन्हें दूर करने के लिए उस लड़की से, पीड़िता से, लड़कों के हाथ में राखी बंधवाया गया बकायदा। लड़की ने राखी बांधकर पांच हुआ भाई के तरीके से आशीर्वाद ली, और ये लोग भाई बन के आशीर्वाद भी दिए, अपना धर्म निभाए, कुछ पैसे भी लड़के को हाथ में दे रहे थे, जो एक रक्षाबंधन में भाई बहन के बीच जनरली एक प्यार मोहब्बत की तरह शेयर किया जाता है। तो ये जो सीन क्रिएट हुआ ये ऐसे लोगों के आँख का कांटा बन गया, जो लोग इस पूरे विवाद को हिंदू मुस्लिम का एंगल दे करके और तील का ताड़ करना चाह रहे थे। जी हाँ, ये विवाद तो था लेकिन इतना बड़ा भी विवाद नहीं था इसमें बहुत बड़ा भयंकर बवाल हो जाए, लेकिन उस तरीके का माहौल क्रिएट हो रहा था। अब आज जो माहौल क्रिएट की है विधायक अंबा प्रसाद ने, दोनों समुदायों को जैसे बिठा करके मामले को रफा दफा करने की कोशिश की, कंप्रोमाइज़ कराया, दोनों समुदायों को एक जगह प्यार मोहब्बत से बिठा करके बातचीत की और राखी बंधवा करके ये संदेश देना चाहिए कि हम लोग एक हैं और गलतियां हुई है दोनों तरफ से, तो उसे हम लोग मिल बैठ के साझा करके अपने विधायक की मदद से ख़त्म कर लेंगे, ना कि कोई बाहर का आदमी आकर के इसमें टांग फंसाए। तो ये साफ संदेश देने की कोशिश की गई है। अब इसमें जो भी होगा आगे आपको हम बताएंगे, लेकिन एक चीज़ है कि ये मामला बहुत आगे बढ़ चुका था, थाना में FIR हो गया था, छः लोगों पर, दो लोगों की अरेस्टिंग भी हो चुकी थी और लोगों पर वारंट भी जहां तक की जारी हो चुका है, जहां तक मुझे खबर है, सर्च कर रही थी पुलिस बड़ी ही सरगर्मी से, और कई बयान भी रिकॉर्ड हो चुके हैं। तो अब इन सभी मामले पर आगे क्या होगा, चूँकि कंप्रोमाइज़ का जो ये सीन क्रिएट हुआ इस पर फिर पुलिस आगे किस तरह से रिएक्ट करती है, और भी बयान होते हैं, केस का किस तरह से पलड़ा किधर भारी होगा, क्या कंप्रोमाइज़ होगा, कोर्ट में क्या होगा, बयान फिर ख़त्म होगा, ये सारा बात आगे देखने वाली बात होगी, चीज़ होगी। लेकिन आज का जो ये चीज़ हुआ, आज जो वहाँ पर कंप्रोमाइज़ का जो तरीका अपनाया गया, ये काफ़ी अलग था, काफ़ी जुदा था और काफ़ी सही ढंग से अपने क्षेत्र के माहौल को बिगड़ने से विधायक अंबा प्रसाद ने बड़ी ही सातिराना तरीके से बड़ी ही सही स्टेप ली और उसे बिगड़ते बिगड़ते कंट्रोल में लिया। अब आगे देखने वाली बात होगी कि क्या होता है। हम आपको हमारे इस चैनल सफ़र 24 पर इससे जुड़ी हर खबर देते रहेंगे, और वो भी निष्पक्ष तरीके से, कोई भी पक्षपात नहीं। आप हमारे चैनल सफ़र 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे जुड़े रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।